आपके भाई का अपहरण हुआ था, जिसके बाद आपने हम लोग से बात की थी और बताया था कि 30 लाख रुपए का बैग आप लोगों ने फेंका था जी। उसके बाद आज आपका एक बयान आया कि उस बैग में कोई पैसे नहीं थे, ये क्या चीज है? जी सर, मेरे घर वो आए थे क्राइम ब्रांच वाले सर, क्या नाम है, दिनेश यादव, तो उन्होंने कहा कि रुचि आपके भाई की जान को खतरा हो सकता है, अगर आपने ये बयान दे दिया वो खिसिया जाएगा, वो आपके भाई को कुछ कर देगा, तब क्या करोगी, आपको आपका भाई चाहिए कि ये सब मीडियाबाजी कर रही हो और ये सब वायरल हो रहा है, वो खिसिया गया। तो इस वजह से मैंने बोल दिया कि हाँ सर मैं बोल दूंगी, तब उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया और सब जगह वायरल कर लिया, उनके दबाव में आके मैंने ये सब बोला। पहले आपने क्या बुलवाया था आपसे उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि आप ये कह दीजिए कि उसमें कुछ नहीं था। अच्छा, तो क्या क्या उनको, उन्होंने आपको क्या समझाया था पूरा? उन्होंने पहले हमको ये समझाइए कि आप ये कहिए कि उसमें पैसा नहीं था और नहीं तो आपके भाई की जान को खतरा हो जाएगा, वो आपके भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, आपको आपका भाई सुरक्षित चाहिए ना। तो मैंने कहा हाँ मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते ठीक है तो फिर ऐसा ही बोलना। अच्छा ये बताइए, आप सच बताइएगा कि क्या उस बैग में पैसे थे या नहीं थे? जी थे, जिस दिन मेरा भाई आ जाएगा उस दिन मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी कि मैंने कैसे पैसा अरेंज किया, क्या किया। पहला मुद्दा ये है कि मुझे मेरा भाई चाहिए। अच्छा, कौन ये बैग लेकर गया हुआ था वहाँ पर? पापा जी मेरे। अच्छा, और पापा जी के साथ कौन कौन था? पापा जी थे और बुआ, टीम थी सारी, और पुलिस टीम थी और बुआ जी के लड़के थे और चाचा जी, वो पापा जी के दोस्त थे जो एक बाइक से थे, बुलेट से। उन लोगों का हटना हुआ, जैसे ही वो लोग आए उनके फोन आ गया था, मैं अंकल के नातिन की तबीयत खराब हो गई थी, वो हट गए उतनी देर में, इन लोगों ने सारा काम करा दिया, पैसे भी चले गए, वो पक्का भी। पुलिस टीम में कौन कौन था क्या मालूम है आपको? जी रंजीत राय सर थे और टीम थी, क्राइम वाली टीम थी। लोग बताए जाते हैं, अब कितने लगे थे मुझे नहीं पता। क्या लगता है कि पुलिस आपके इस पूरे मामले को डाल रही है कि पहले तो ढीला डालती रही, लेकिन कल तक तो वो ढीला डालती रही, लेकिन कल मेरी कप्तान सर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया है कि 4 दिन में मैं तुम्हारा भाई ला के दूंगी। जब वो बैग वाला पैसा गया, आज वो मैडम बोल रही है मुझसे कि उस लड़की का मैंने चिट्ठी बात कह दी थी कि उसको चिप डलवा दीजिए, तो बोले दिमाग की संतुष्टि ठीक है उसका। जी अकेले थी मैं रूम, मुझसे पूछ रहे थे कैसा क्या तुम्हारा भाई क्या करता था क्या नहीं करता था ये सब पूछा, और उस समय मेरे पापा जी भी नहीं थे, मम्मी जी बाहर थोड़ा काम से गई थी,